आपने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से केस देखे होंगे जिनमें अपराधियों को 7 दिन से लेकर उम्र कैद की सजा या फिर सजाए मौत दी जाती होगी। पर आज की वीडियो में आप जानोगे, जब अदालत ने अपराधियों को इतनी लंबी सजाएं सुना दी कि शायद सजा पूरी होने तक ना वो अपराधी जिंदा रहेंगे, ना वो जज, ना वो वकील और ना ही उस जगह पर वो अदालत बची होगी। क्या हुआ जब अदालत ने अपराधियों को ऐसी अजीबोगरीब सजा सुनाई? तो आइए जानते हैं उन सजाओं के बारे में। नंबर एक, स्पेन के रहने वाले 22 साल के पोस्टमैन ग्रेबियल मार्च ग्रानुडोस को साल 1972 में 384,912 साल की सजा सुनाई गई थी। ये सजा उसे इसलिए सुनाई गई थी क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं करता था। 40,000 से ज़्यादा खत और पार्सल की डिलीवरी ना करने के जुर्म में उसे ये सज़ा सुनाई गई थी। अदालत ने हर एक खत और पार्सल के बदले उसे 9 साल की सज़ा सुनाई थी, लेकिन बाद में उसकी ये सज़ा कम करके सिर्फ 14 साल की कर दी गई। नंबर दो, थाईलैंड की चमोय थिपियासो नाम की महिला को अदालत ने ऐसी ही सज़ा सुनाई थी। इस महिला को एक पिरामिड स्कीम में 16,231 लोगों के करीब 19 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने के जुर्म में दोषी पाया गया था। इस महिला को साल 1989 में अदालत ने 141,078 सालों की सज़ा सुनाई थी, लेकिन बाद में थाईलैंड में एक नया कानून पास हुआ। उस कानून के तहत धोखाधड़ी करने वालों को कितने साल की सज़ा दी जाएगी ये तय किया गया। इस नए कानून के तहत इस महिला की सज़ा कम कर दी गई। बाद में इसे सिर्फ 20 साल ही जेल में गुजारने पड़े। नंबर तीन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में साल 2004 में एक ट्रेन में बम ब्लास्ट करने वाले आतंकियों को स्पेन की अदालत ने धमाका करने वाले आतंकी ओथमान अलनाउई को 42,924 साल की सज़ा सुनाई थी और इसके साथी जमाल जाउगम को इससे 2 साल कम यानी 42,922 साल की सज़ा सुनाई थी। लेकिन इस केस में भी वैसा ही कुछ हुआ। स्पेन के कानून के मुताबिक किसी भी अपराधी को 40 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। नंबर चार, अमेरिका के अलबामा राज्य में एक बलात्कारी को अमेरिकी अदालत ने साल 1994 में कुल 6 बलात्कार के आरोप में 30,000 साल की सज़ा सुनाई थी। इस अपराधी का नाम चार्ल्स स्कॉट रॉबिन्सन है। इसे यह सज़ा सुनाने वाले जज का कहना था कि वो उसे बिना पैरोल के उम्र कैद की सज़ा नहीं दे सकते थे। अगर उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती तो वो पैरोल पर बाहर आ जाता, इसीलिए उसे हर मामले में 5,000 साल की सज़ा सुना दी गई ताकि वो मरते दम तक जेल में ही रहे। नंबर पाँच, एलन वेन मैकलरिन नाम के शख्स को कई मामलों में दोषी पाने के बाद अदालत ने उसे कुल 21,250 सालों की सज़ा सुनाई थी। एलन को रेप के 4 मामलों में कुल 8,000 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इसके बाद अपहरण, जानलेवा हमला, लूटपाट करने जैसे खतरनाक अपराधों के हिसाब से इसे ये सज़ा सुनाई गई थी। इसके एक साथी को अदालत ने 11,250 साल की सज़ा सुनाई थी। ऐसी अजीबोगरीब सज़ा सुनाए जाने के बाद ये बात तो साफ हो जाती है कि अदालत अपराधियों को माफ़ नहीं करना चाहती थी। पर हर देश का एक अपना कानून होता है जिसका फ़ायदा उठाकर अपराधी जेल से बाहर निकल आते हैं। आपको इनमें से कौन सी सज़ा अच्छी या बुरी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।